हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेट जून 2015 का क्वेश्चन ऑन प्रपोजिशन लॉजिक। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। इन प्रपोजिशन लॉजिक गिवन पी एंड क्यू, पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू, वी कैन इन्फर ऑप्शन ए नॉट ऑफ क्यू, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी पी एंड क्यू, ऑप्शन डी नॉट पी एंड क्यू। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है दैट पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू आर ट्रू। हम इनको मान के चलेंगे, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो ट्रू है। हमें इन्फ्रेंस बताना है, कंक्लूजन बताना है क्या होगा इन दो स्टेटमेंट से जो कि ये ट्रू है। ओके, तो हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है आपका बुलियन अलजेब्रा के सॉल्व को, बोलिए ना जरूर की तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है ट्रुथ टेबल से। मैं आपको पहले ट्रुथ टेबल से सॉल्व करना सिखाता हूँ और इसको मैं वेरीफाई भी कराऊंगा कि जो ट्रुथ टेबल से जो हमारा आंसर आया है वो बोलिए जरूर से कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है गलत। ओके, पहले ट्रुथ टेबल बना लेते हैं पी और क्यू का। दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास टोटल चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, देन अगेन ट्रू ट्रू। ओके, पी है हमारे पास, देन हम पी इम्प्लाइज क्यू का एक कॉलम बनाएंगे, पी इम्प्लाइज क्यू, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, ट्रू ट्रू पे ट्रू। ओके, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट पी इज ट्रू। हम सिर्फ इन दो रोज को कवर करेंगे, इन दो रोज को नहीं देखेंगे। ओके, और ये भी गिवन है पी इम्प्लाइज क्यू इज ट्रू। पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू कहाँ है? यहाँ पे है एंड यहाँ पे है, पर हम इन दो रोज को कवर नहीं करेंगे तो इनको नहीं देखेंगे। सिर्फ हमारे पास एक फाइनल एक ये रो बची और इसमें हमें दिख रहा है क्यू ट्रू है। सो अगर क्वेश्चन ए ऑप्शन सही होता तो क्यू फॉल्स आना चाहिए था, पर हमारे यहाँ पे क्यू ट्रू है तो ये सही नहीं हो सकता। बी हमारा ऑप्शन है क्यू ट्रू है, यहाँ पर क्यू ट्रू आ रहा है, यस क्यू ट्रू आ रहा है, तो ये ही ऑप्शन सही है। ओके, तो हमें फर्दर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें बी ऑप्शन सही मिल गया तो हम आगे चेक नहीं भी करें तो भी चलेगा। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब हमारा क्यू जो आंसर आया है वो सही आया है नहीं आया है यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। तो मैं आपको वो भी इसमें करके दिखाता हूँ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, पी इज ट्रू, पी एंड जितने भी हमारे पास प्रिमाइज दिए हो उनको हम एंड से कंबाइन करते हैं। सेकेंड प्रिमाइस हमारा पी इम्प्लाइज क्यू, फाइनल कंक्लूजन जो आ रहा है उससे इम्प्लाइज क्यू, ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब अगर ये एक्सप्रेशन टॉटोलॉजी आए मतलब वन आए तो ये वैलिड है, हमारा जो आंसर आया वो वेरीफाई है। ओके, हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे पी, इसमें ये वाला रूल लगाएंगे पी इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू नॉट ऑफ पी और ऑफ क्यू। ओके, नॉट ऑफ पी और ऑफ क्यू। फर्दर इस वाले इम्प्लीकेशन के लिए हम ये वाला फिर से रूल लगाएंगे तो देन इस पूरे पे बाहर आ जाएगा प्लस क्यू, सॉरी प्लस नहीं, अभी हमने बुलियन अलजेब्रा में इसे सॉल्व नहीं करा है तो अभी और ही रखेंगे। अब हम इसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में मतलब एंड को हम डॉट से कन्वर्ट कर देते हैं एंड और को प्लस से। ओके, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ये बचेगा पी डॉट पी बार और की जगह प्लस क्यू, इस पे पूरा बार और की जगह प्लस क्यू। ओके, अब इसे फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, पी इंटू पी बार प्लस क्यू पी इंटू पी बार इज ज़ीरो। ओके, ज़ीरो प्लस पी क्यू होल बार प्लस क्यू और यहाँ बचा पी क्यू का बार प्लस क्यू
आपने हमने लास्ट वीडियो में देखा था डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें लगा सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर एक्स वाई का होल बार है तो इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स बार प्लस वाई बार। ओके, तो हम तोड़ेंगे आगे फर्दर, पी बार प्लस क्यू बार प्लस क्यू, एंड गुणन अलजेब्रा में क्यू प्लस क्यू बार इज ऑलवेज इक्वल टू वन। अगर हम क्यू और क्यू बार, यहाँ पे वन हो गया, एंड पी बार प्लस वन, एनीथिंग विद वन विल गिव यू दैट ओनली, ए ओनली, सॉरी ए नहीं आएगा यहाँ पे, वन ही है। अगर हम वन में किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे बूलियन अलजेब्रा में तो वो वन ही आता है। सो यस, हमारा आंसर आ रहा है वन। सो यस, इट्स हमने जो यहाँ पे बी निकाला था क्यू, यहाँ पे इन्फरेंस, यस ये सही है, ये वेरीफाई हो गया इससे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा न्यू क्वेश्चंस पर, तो चलिए जल्दी मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।